वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप कैसे डीसी सोर्स का यूज़ करके एक ट्रांसफार्मर के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि हमने इस फेनोमेना को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट रखा है। अरेंजमेंट क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास एक कॉइल है, कॉपर कॉइल है, और यहाँ पर जैसे हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 पोजीशन बार मैग्नेट हम यहाँ रखते हैं। एक ही बार मैग्नेट है जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले हम इस बार मैग्नेट फर्स्ट पोजीशन पर जो है इसको एज इट इज स्टेशनरी यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर करेंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स बार मैग्नेट यहाँ पर रखने पर कोई करेंट फ्लो नहीं होता है। तो चलिए हम सेकेंड पर रखते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता, और थर्ड पर रखते हैं तो भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है। फ्रेंड्स इसका मतलब यह होता है कि कॉइल के आप किसी पोजीशन पर किसी बार मैग्नेट को नजदीक में रखने से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहां पर करंट फ्लो हमें कराने का एक तरीका हमें पता है, हम इस बार मैग्नेट सीधे यहां से यहां तक और यहां से फिर वापस यहाँ तक, मतलब इसी लाइन में इसे ऊपर और नीचे 1, 2, 3, 3, 2, 1 इस तरह करते हुए हम यहाँ बार मिनट को इसका पोजीशन को चेंज करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका फ्लक्स चेंज हो जाता है, और फ्लक्स चेंज होने पर यहाँ पर क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ ये बार मिनट एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब यहाँ पर करंट फ्लो कैसा होगा, जैसे आप फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड ले गए तो ऐसे करके फ्लो होने लगता है, और फिर थर्ड पर ऐसे करके खत्म हो जाता है, फिर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होता है। तो ये फिर से आप मूव ऐसे ही करते रहेगा, तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस EMF फ्लो होगा जो कि AC टाइप का मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर जो इंड्यूस EMF मिलेगा यहाँ पर AC टाइप का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है इस कॉइल में, इसलिए यहाँ इस कॉइल के कॉपर कॉइल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं, तो वो यहाँ पर मूव होगा, और ये जो है गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क देता है। तो हम एक चीज़ तो जान गए फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, E=-N d∅ dt, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी यहाँ पर EMF जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ को बार मैग्नेट को हमें क्या करना होगा, या तो हमें कॉइल को चेंज करना होगा, कॉइल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में, इस पोजीशन से इस पोजीशन में ऐसे कॉइल को चेंज करते रहना होगा, या फिर हमें क्या करना होगा, बार मैग्नेट के पोजीशन को ही चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट के पोजीशन को ही हम चेंज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, तो हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसका जो फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, और लेकिन जब यहाँ पर कांस्टेंट स्टेट में है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट स्टेट में, स्टेशनरी स्टेट में इस अरेंजमेंट में EMF जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, जनरेट नहीं होगा। लेकिन इसके पोजिशन जब चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स भी चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण जो है इसमें EMF इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस अरेंजमेंट में हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डीसी सप्लाई स्रोत देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर प्लस दे दिया और यहाँ पर दे दिया माइनस, तो हम प्लस और माइनस दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लक्स इसका जनरेट हो रहा है -N d∅ dt के थ्रू, तो ये जो फॉर्मूला था E का, E=-N d∅ dt के थ्रू यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये चेंजेबल नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है, इसमें इसलिए यहाँ पर d∅ dt की वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के कारण इसका EMF जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जीरो हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर फ्लक्स को चेंज नहीं करवा पाते हैं डीसी के केस में, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम डीसी के जगह पर हम एसी दे देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो गया आपका एसी टाइप का। तो जब हम यहाँ पे एसी टाइप का सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एसी टाइप का सप्लाई में यहाँ पर d∅ dt चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि आपका एसी सप्लाई है, तो ये एसी सप्लाई का क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी प्लस की ओर जा रहा है तो कभी माइनस की ओर जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कभी प्लस की ओर जा रहा है फिर कभी माइनस की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम लाइन पर अपना ये dt जो आपका टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन पर चलते जाता है, और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने के फ्रेंड्स कारण क्या होता है, यहाँ जो फ्लक्स है d∅, ये फाई फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट होता है आपके प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट होता है। तो हमें क्या टारगेट है, हमारा टारगेट यहाँ पर है हमें डीसी के थ्रू इसे इस एनर्जी को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया है जिसके थ्रू आप डीसी सप्लाई दे करके आप पावर को ट्रांसमिट करा सकते हैं। फ्रेंड्स हमने इसके लिए क्या किया है, मान लीजिए कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक ऑन स्टेज लिखते हैं, और एक यहाँ लिखते हैं
हैं ऑफ स्टेज। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिनोट करेंगे ऑन स्टेज को 1 से डिनोट करते हैं, ऑफ स्टेज को 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जब यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, ये सप्लाई जाता है, ठीक है। और स्विच को ऑफ करते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, ये सप्लाई ऑफ हो जाता है, सप्लाई ऑफ हो जाता है। फिर स्विच को ऑन करते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, सप्लाई जाता है। फिर स्विच को ऑन करते हैं, सप्लाई ऑफ हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये आपका अरेंजमेंट होता है, ये आगे की ओर जाता रहता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑन यानी कि 1 पोजीशन पर, ऑफ यानी कि 0 पोजीशन पर, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो इस तरह से यहाँ जब चलते जाता है, तो आप अगर 50 टाइम्स अगर एक सेकेंड में 50 टाइम्स इसे स्विच को ऑन ऑफ करा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर आप एक सेकंड में एक बार करा सकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 हर्ट्ज, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता है। तो एक चीज़ आपको बता दिया कि जब भी यहाँ पर स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि चेंज इसका जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और इसके इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो उसके कारण इसमें जो है फ्लक्स जो होता है चेंज होने लगता है, और फ्लक्स को चेंज होने के कारण d∅dt होने के कारण इसमें भी EMF जो है इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास एक वीडियो, छोटा सा आपके लिए जानकारी था, जो कि हर एक इलेक्ट्रिशियन को जानना चाहिए इस फेनोमेना के बारे में, कि आप कैसे DC सोर्स के जरिए भी आप एक ट्रांसफार्मर से पावर को ट्रांसमिट करा सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्विच के जगह पर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा दीजिए, जो कि वो 50 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सके। तो इस तरह का जो स्विच का अरेंजमेंट हो गया, वो भी एक यहाँ पर जो होगा AC टाइप का ही सिग्नल प्रोवाइड कराएगा सेकेंड साइड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल कर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।